वो भी गए थे ना, क्या कहते हैं, सिस्टर के पास गए थे कनाडा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि अब मतलब कैसे है कैनेडियन ना, वो फर्स्ट टाइम हमने कभी देखा नहीं कैनेडियन। हाँ। तो अब्बू ने कहा कि यार एक सेंटेंस में मैं बताऊँ तुम कि कैनेडियन कैसे है। मैंने कहा बताया एक सेंटेंस में। तो अब्बू ने सिंपल कहा कि यार सिर्फ वो कलमा गो नहीं है। हाँ, बाकी बाकी सारी चीजें उनके अंदर है ना, मतलब ऑनेस्टली उनके अंदर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बड़ी जबरदस्त लगी, वो कहते हैं कि यार आप लोग मतलब पैसों को दौलत कहते हो ना, जाहिर सी बात है, मतलब जो आपका पैसा है वो जाहिर सी बात है वो दौलत है। कहता नहीं, बेवकूफ हो आप लोग, कहता टाइम इज मनी। बिल्कुल, वक्त जो है वो पैसा है यार, आप वक्त की आप कदर करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सफ़र कर रहा हूँ इस वक्त, करीम में हूँ, और मेरे जो कैप्टन हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, उनसे बातचीत कर रहा था, और उनसे बातचीत करने के बाद मैं रह नहीं सका उनके तासरात आप लोगों के साथ शेयर किए बगैर, तो इसलिए मैं लाइव आ गया। और मैंने कहा कि यार उनकी गुफ्तगू जो हो रही है उससे आप लोगों को भी थोड़ा सा मुस्तफीज किया जाए, ताकि आपको पता चले कि यार लोग अवेयरनेस आए, सेंस आए आप लोगों को भी। अच्छा, उन्होंने मुझे दिखाने से मना किया है अपना चेहरा, इसलिए आपको उनकी आवाज़ आएगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हमारे मिजाज कैसे हो गए हैं आजकल, जो हमारे मिजाज हैं हम लोगों के, वो मिजाज हमारे कैसे हो गए, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि हम क्या एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अच्छा, लेट सपोज अगर हम आज से कोई 40-50 साल पहले जाएं, तो मतलब पहले के लोगों की आप देखें कि हाइट मतलब इक्वली होती थी ना, माइनर से कोई 19-20 होता होगा, प्लस उनकी तबीयत में ठहराव होता था। ठीक है, ठीक है। आजकल के आप साल डेढ़ साल के बच्चे को आप देखेंगे ना, वो आपको लगेगा 6 महीने का या साल, आपका तकरीबन 2-3 साल का लगेगा। क्यों? हमारी जो फीडिंग हो रही है ना, वो मेरी ओपिनियन ये है कि हम लोग जो, क्योंकि आप इस थोड़ी सी आप मिसाल आप ले लें चिकन के ऊपर ना, नॉर्मली हम लोग बचपन में हम लोग ना चूजा पालते थे, बड़ा होता था, तो 2-3 साल में इतना मतलब उसका साइज बढ़ता ही नहीं था, या तो 15 दिन में मुर्गे तैयार, 15-20 दिन में यार आप चिकन तैयार कर रहे हो, हाउ पॉसिबल, आर्टिफिशियल तरीके से। तो आप ये ना, अच्छा साइंस आपकी कहती है डॉक्टरी लाइन में कि जो आप खाते हैं ना उसका आपके इंटरनली मामलात के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले के लोगों में आप देखें कि ठहरा होता था, तबीयत में बड़ी नर्म होती थी। बिल्कुल। आज तो बेचारा कोई घर की तरफ से परेशान है, मेंटली तौर पर कोई कुछ है, बेचारा रोड के ऊपर आता है, तो बस आप यही है। वो जो आप बात कर रहे थे कि जो अगर एक आदमी एक काम कर रहा है, हाँ, वो बात बताएं ना जरा जहाँ से हम शुरू हुए थे। हाँ, मतलब मेरी थिंकिंग, कोई अगर अच्छा आदमी काम कर रहा है, मतलब मेरी ये, मतलब एक मेरी ये वो है कि ये हमारा कौमी जो है ना वो सोच बन गई है। कौमी सोच क्या बन गई? लेट सपोज के जैसे अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा ना, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, कोई शोरूम, कोई भी काम किया, कोई भी एक्स्ट्रा जेड, ठीक है, काम स्टार्ट करा, तो मैं देखूंगा ना कि यार ये सर जो है वो बड़ा सक्सेसफुल होगा इस काम के ऊपर, देन मैं भी कहीं से उधार मांग के बैंक का कर्जा वगैरह लेके मैं ही बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक। और फिर मैं जब तक मैं आपको जमीन पे नहीं लेकर आऊंगा ना, और इस काम को खत्म नहीं करूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। सही है। तो हमारी ये सोच हो गई है। ठीक। चाहे कोई भी काम हो, वो कोई भी मतलब कोई जनरल स्टोर खोलता है, कोई कुछ करता है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि जो काम उस बंदे को सूट कर रहा है वो आपके ऊपर भी जो है वो सूट करे या आपकी किस्मत में वो लिखा हो, आप कहीं और आजमा लो यार, आप कोई चीज और कर लो। लेकिन उसे हम कहां तक नीचे ले जाते हैं? कब्र तक, जब तक वो बंदा मर ना जाए ना, उसको आसमान में बिचारा होगा, जब तक वो बिल्कुल डेड एंड, बिल्कुल मर ना जाए, उसको कब्र तक नहीं जाए, उसका पीछा नहीं, कोई सा भी काम हो, कोई सा भी काम हो, आप देख ना करीम का कोई काम हो, तो करीम में गाड़ियां लगी हैं, तो उसके बाद सबने भाई बैंक लिस्ट के ऊपर गाड़ियों पे गाने निकलवा के पकड़े, 50-50 गाड़ियां डाल दी लोगों ने, डाल दिए, उसके बाद जो उसका बेड़ा घर की हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। सही बात है। बहुत चेंज चाहिए हम लोग को, चेंज मतलब चाहिए, असल चीजें सेंस यार, हल की तरफ आए। क्या आपके ख्याल के मुताबिक क्या इसका हल है, कैसे हम अपने जो हमारे जो सोच हो गई है उसको ठहराव लेकर आए? यार ठहराओ आप थोड़ा सा, देखें आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपको कोई स्टिक दूँ, हार्ड
लकड़ी दूं जी, जी, और एक नर्म लकड़ी दूं जी, तो जल्दी कौन सी टूटेगी? जो हार्ड होगी वो टूट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तबीयत में थोड़ा सा जो है ना नरमी लेकर आ और बर्दाश्त कर रहे हैं यार। अगर मैं आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा ना, फायदा नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट कम से कम नुकसान भी नहीं दूंगा। नुकसान तो ना दे, बिल्कुल सही बात है। ठीक और ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ ना, मैं रोड पर होता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हर कोई ऐसा लग रहा है जैसा रेस में दौड़ रहा है, भाग रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में। मतलब ऐसा लगता है घर वाले जो ना इनके लिए हार लेके खड़े हुए कि वो तुम दो मिनट पहले पहुंच गए, ये लो बेटा तुम हार पहन लो भाई। अच्छा, घर पे क्या हो रहा होता है वैसे? घर पे क्या हो रहा था? बीवी तैयार होती है बस यही होता है। क्या हो रहा होता है? चले बेजार होता है वो, कहीं ना कहीं से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता, कहीं ना कहीं तो निकाल लेना। हाँ बिल्कुल, ये बात है। बस देखिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, हम लोग अभी सिर्फ बेसिक चीजों पे मर रहे हैं, पानी बिजली गैस, मतलब लाइट आ रही है, सहूलियात थोड़ी सी मिसाल, अभी एक दो महीने बाद आपको जो है वो रोडों पर नजर आने शुरू हो जाएगी कि हम कितने मुस्लिम, हम कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, वो रमजान आने वाला है, उसमें देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, तो मैसेज यही है कि यार अब थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए अपने अंदर, यार लचक थोड़ी सी लचक तबीयत में लेकर आए ना। बस चले जनाब, ये हमारे आपको सलाम कह रहे हैं हमारे दोस्त। सलाम, वालेकुम सलाम। चले जनाब, राणा साहब आपका सलाम पहुंच गया उन तक, और इंशाल्लाह देखिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, कहा कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, थोड़ा सा ठहराव लाएं और दूसरे को टॉलरेट करें, दूसरे को टॉलरेट करना सीखें और नरमी पैदा करें, उससे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। और बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये करीम में कैप्टन है, और इनकी बातें मुझे बहुत इंप्रेस हुआ मैं, और मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसको कैप्शन में ज़रूर बाद में लगाता हूं। बट थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।